आपको उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उसको उस वेस्ट टाइम को हटा के एक प्रॉपर प्लान बनाना है, अपने आप को एक चैलेंज देना है और उस प्लान को फॉलो करना है। 90% स्टूडेंट्स प्लान बना लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते दोस्त, जो फॉलो कर लेते हैं वो पार लग जाते हैं, वो पास हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपने जो 24 आवर्स हैं उनको एक पेज पे लिखो। आपके पास एक डे प्लानर होना चाहिए, चाहे आप वो पॉकेट डायरी के फॉर्म में हो या आपके फोन में आजकल नोट्स बनते हैं स्मार्टफोन में, वो नोट्स आप बना सकते हो। स्मार्ट वे में काम करो ना यार, ठीक है डायरी आप कैरी करना भूल गए लेकिन फोन को कैरी करना नहीं भूलेंगे आप, ये बात की श्योरिटी है। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोकंद एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू मेक स्टडी प्लान एंड हाउ टू मेक टाइम टेबल। दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है, स्टूडेंट्स को अक्सर ये डाउट रहता है कि एक प्रॉपर टाइम टेबल क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर स्टडी प्लान हम कैसे बनाएं अगर खुद से बनाना चाहें तो। सबसे पहले आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि यू आर एन इंडिविजुअल पर्सन एंड यू हैव इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड यू हैव इंडिविजुअल लाइफ। आप जनरली हम क्या करते हैं कि किसी भी एक टॉपर की वीडियो सुन लेते हैं और उस प्लान को फॉलो करने की कोशिश करते हैं और वो उसको इनिशियली इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कोई भी वीडियो देख के या किसी चीज़ से मोटिवेट होके, जिसको हम शायद फॉलो ही नहीं कर पाते या बहुत कम टाइम के लिए उसको फॉलो कर पाते हैं। इससे इम्पैक्ट क्या आता है, इससे इम्पैक्ट आता है हमारी लाइफ में जब हम उसको फॉलो नहीं कर पाते, बार बार रिग्रेट आता है, बार बार सेल्फ डाउट आता है कि क्या चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल भी हैं, क्या चीज़ें हमारे लिए डूएबल भी हैं। तो दोस्त चीज़ें बिल्कुल डूएबल हैं, बस इशू ये है कि जो एक राइट पाथ है, राइट मेंटरशिप है, आप वो फॉलो नहीं कर पा रहे हो। शायद आपकी लाइफ में एक प्रॉपर जो गाइडेंस है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। हर इंसान में कुछ ना कुछ करने की कैपेबिलिटी होती है और बहुत कुछ वो कर सकता है अगर उसको कोई गाइड करने वाला हो तो। एंड फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म वी आर हियर टू गाइड यू कि आप अपना टाइम टेबल खुद कैसे बना सकते हैं और स्टडी प्लान कैसे बना सकते हैं और उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं, कैसे उस पर स्टिक रह सकते हैं। अब इनिशियली जिस तरीके से मैं प्लान बताऊंगा, मैं ये शॉर्ट के साथ बोलता हूं कि आप उसको फॉलो कर पाएंगे, बस अपने आप को खुद वो बात बोलते रहनी है कि मैं उस चीज़ को फॉलो कर सकता हूं और उसके लिए कोशिश करनी है। स्टूडेंट्स बफर जोन को मिस कर देते हैं, उसकी भी बात करेंगे, ये सारी टर्मिनोलॉजीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर इस प्लान को आप फॉलो कर लेते हैं, इस स्टडी, इस जो मैं आज आपको टिप्स देने जा रहा हूँ, इन चीज़ों को आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका जो गोल है, जो एग्ज़ाम को क्रैक करने का गोल है, उसको आप अचीव कर लेंगे, ये पूरी श्योरिटी है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्या क्या इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंस क्या रहेगा टाइम टेबल और स्टडी प्लान में। सबसे पहले आपको यही समझ में आना चाहिए आपके प्लान का नेचर कैसा होना चाहिए, क्या वो बिल्कुल ईजी होना चाहिए या मॉडरेट लेवल का होना चाहिए या मोस्ट डिफ़िकल्ट होना चाहिए। ये एग्ज़ाम की नीड पे भी डिपेंड करेगा कि एग्ज़ाम आपका कितना पास है, तो उस बारे में बात करेंगे। बफर जोन क्या होता है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड क्या मुझे दिन में पढ़ाई करनी चाहिए या रात में पढ़ाई करनी चाहिए, स्टूडेंट्स के जनरली डाउट होते हैं, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सेम आवर टारगेट इज़ कि हम रिग्रेट में ना जाएं और जब सोने जाए ना बंदा तो उसके माइंड में एक सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ मेरा आज का ये गोल था, मैंने आज उसको अचीव कर लिया है। तो ऐसे ही स्टेपिंग स्टोन जब हम अपने लाइफ में अचीव कर लेंगे तो जो हमारा माइलस्टोन है एग्ज़ाम को क्रैक करने का, ऑफिसर बनने का, हम उसे भी अचीव कर लेंगे। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जर्व करना है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को कि आप प्रेजेंटली क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, अपने डे को कहाँ पर स्पेंड कर रहे हो। दूसरा आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप अपना टाइम वेस्ट कहाँ पर कर रहे हो, ये सब चीज़ें आप कैसे करोगे वो मैं जल्द ही अभी बताऊंगा। नेक्स्ट आपको उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उसको उस वेस्ट टाइम को हटा के एक प्रॉपर प्लान बनाना है, अपने आप को एक चैलेंज देना है और उस प्लान को फॉलो करना है। 90% स्टूडेंट्स प्लान बना लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते दोस्त, जो फॉलो कर लेते हैं वो पार लग जाते हैं, वो पास हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपने जो 24 आवर्स हैं उनको एक पेज पे लिखो। आपके पास एक डे प्लानर होना चाहिए, चाहे आप वो पॉकेट डायरी के फॉर्म में हो या आपके फ़ोन में आजकल नोट्स बनते हैं स्मार्टफोन में, वो नोट्स आप बना सकते हो। स्मार्ट वे में काम करो ना यार, ठीक है डायरी आप कैरी करना भूल गए लेकिन फ़ोन को कैरी करना नहीं भूलेंगे आप, ये बात की श्योरिटी है। फ़ोन में स्मार्ट नोट्स होते हैं, नहीं है तो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें अपने दिन के 24 घंटे आप लिख लो, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 12, 13, इस तरीके से
फर्दर 1 2 3 फर्दर पूरा अपने आप को 24 घंटे आप लिख लो, ऑब्जर्व करो कि आप किस टाइम उठते हो। हो सकता है कोई 7 बजे उठता हो सकता है कोई 9 बजे उठता हो सकता है कोई 11 बजे उठता हो, ठीक है। अभी सही गलत कुछ नहीं होता स्टूडेंट लाइफ में, अगर आप पढ़ रहे हो तो सब सही है, आप नहीं पढ़ रहे तो कुछ सही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे 4 बजे ही उठना चाहिए, मुझे 5 बजे ही उठना चाहिए। आप उठने के बाद क्या करते हो वो सबसे बड़ा चैलेंज है और सबसे बड़ी बात है। अगर आप 100% स्टूडेंट लाइफ में हो और आप 6-7 घंटा नहीं पढ़ रहे हो, यू आर डूइंग इनजस्टिस विद यू, और उन चीज़ों को करेक्ट करने के लिए ये वीडियो है। सपोज मैं एक नॉर्मली इमेजिन करता हूँ कि एक स्टूडेंट 7 से 8 बजे के बीच में उठता है, या आपने प्लान किया कि मैं इस टाइम उठूँगा। इससे जो लेट थोड़ा उठता है उसको थोड़ा माइंड में ये वजन रहता है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि यार मैं इतना लेट उठ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं इतनी देर तक सो रहा हूँ, मेरे मन में रिग्रेट आ रहा है। तो कोशिश करो कि 7 से 8 बजे के आसपास उठो, नहीं तो 8 से 9 बजे के बीच में भी उठ रहे हो कोई बात नहीं, उससे पहले उठ रहे हो तो वेल एंड गुड, फिर आपके लिए तालियां। खुद को अप्रिशिएट करना भी आना चाहिए स्टूडेंट को। ऐसा नहीं कि आप अपनी लाइफ में, आपके लाइफ में अप्रिशिएशन मिसिंग रहता है, क्योंकि हमें कोई डेली लाइफ में बाहर से कोई अप्रिशिएट करता नहीं है, खुद हम खुद को अप्रिशिएट करते नहीं हैं, तो माइंड पे हमेशा रिग्रेट का एक बोझ बन के चलता है। अब माइंड ऑलरेडी इतना प्रेशर में है तो किताबों में कैसे लगेगा। तो दोस्त खुद को अप्रिशिएट करना सीखो, नहीं तो मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। सपोज कोई स्टूडेंट यहाँ पे इतने बजे उठ रहा है, ठीक है, उठने के बाद उसने ये 1 घंटा दे दिया कि उसने फ्रेश वगैरह हुआ या जो भी है एक्स वाई जेड, इधर उधर टाइम लगा दिया, नाश्ता कर लिया, जो भी किया एक्स वाई जेड, 1 घंटा उठने के बाद बफर जोन में होना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं 7 बजे उठूंगा एग्जैक्ट कल से पक्का, अलार्म लगा लिए 4, 6:55 का, 6:58 का, 6:59 का, 7 बजे का, 7:01 का, आंखें खुली 7:30 बजे 8 बजे, वहीं पे आधा दिन ख़त्म। कहाँ ख़त्म, माइंड में ख़त्म, रिग्रेट हो गया, अलार्म तो बजता रहा लेकिन आप नहीं उठ पाए। इस चीज़ के लिए आपके पास बफर जोन होना चाहिए, इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं होना चाहिए कि आपको 7 बजे लगाए तो 7 बजे ही उठाए, या 7:30 उठ गए कोई बात नहीं, कल से ट्राई कर लेना, क्या पता 7:15 बजे उठ जाओ, उसे नेक्स्ट दिन ट्राई कर लेना, क्या पता 7 बजे उठ जाओ, उसे नेक्स्ट डे ट्राई कर लेना, क्या पता 6:45 पे उठ जाओ। तो इतना एक्सट्रीम लेवल आपको नहीं अपना लेना है चीज़ों को, जिसे आप फॉलो ना कर सको, आपकी बॉडी फॉलो ना कर सके, आपका माइंड फॉलो ना कर सके। 7 से 8 बजे के बीच में कोशिश करनी है मुझे उठने की, आप 7:30 उठो, 7:15 उठो, अब जितना जल्दी उठ पाते हो उतना अपने आपको अप्रिशिएट करना है। नेक्स्ट, ये एक बफर जोन है। बफर जोन मीन्स हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ में आपको कितना भी टाइम लगे, वो इस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आप रहते कहाँ पे हो, आप घर में रहते हो, पीजी में रहते हो, किसी को कमरा लेके रहते हो, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, उसके बिहाफ पे 1 घंटा हमने बफर जोन में डाल दिया। नेक्स्ट, ये 4 घंटे हमने रखे स्टडी के लिए, क्या मैं 4 घंटे लगातार पढ़ लूँगा, दोस्त कुछ नहीं जाएगा दिमाग में, कोशिश करके देख लेना। तो कैसे पढ़ना है, क्या 2-2 घंटे पढ़ना है, आंसर है नहीं, इतना बर्डन डालना ही नहीं है दिमाग पे कि वो सह ना सके। अगर आप फ्रेशर हैं तो कोशिश करो एकदम से 0 से 8 घंटे नहीं पहुँचना होता, फेज मैनर में जाना होता है। 2 घंटे का टारगेट रखो, 3 का रखो, फिर 4 का करो, फिर 5 का करो, फेज मैनर में आपके टारगेट होना चाहिए। हम क्या करते हैं, आज कोई वीडियो देख ली, मोटिवेट हो गए, कल अभी तक कुछ पढ़ने की हैबिट नहीं थी, कल सोच रहे हैं 8 घंटे पढ़ देंगे, चलो पढ़ भी दिया एक दिन। मोटिवेशन शॉर्ट टर्म के लिए होती है, डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म के लिए होता है। डिसिप्लिन लेके आओ अपनी लाइफ में, सिंपल मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, और वो आप ही लेके आ सकते हो। इसमें आप सिंपली 50-50 मिनट्स के 4 स्लॉट लगाओ, जिसमें आपको ना तो बर्डन होगा और आपकी रिटेंशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी, एज़ कम्पेयर कि आप इकट्ठा 4 घंटे बैठ रहे हो या 2 घंटे बैठ रहे हो और फ़ोन नहीं चलाना है। दोस्त ये कोशिश करो, ये टाइम आप बुक्स को दे रहे हो ना कि किसी वीडियोस को, या सिर्फ मोबाइल में लगे हुए हो, बस पढ़ने के नाम पे पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। इस टाइम पे आप रीडिंग करोगे, या हो सकता है इन दो फेज में आप रीडिंग करो, इन दो फेज में आप वीडियोस वगैरह जो आपका लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं आप वो कर सकते हो। फिर ये बफर जोन आपका स्टार्ट हो गया, यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर वगैरह आपको देखना है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपको देखनी है, इसमें आप देख सकते हो, करंट अफेयर की कुछ वीडियो सुननी है, या जो भी एक्स वाई जेड रिलेटेड टू योर स्टडी, रिलेटेड टू योर हॉबी आप कुछ फॉलो करना चाहते हो तो गैप लेके आप फॉलो कर लो। ये जो टाइम पीरियड है
यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द पर्सन, हम इंडियंस की प्रोडक्टिविटी लो होती है, थोड़ा दोपहर का समय होता है, खाना भी खाते हैं, थोड़ा बॉडी को रेस्ट चाहिए, तो ये बिल्कुल बफर जोन के लिए मैं छोड़ता हूँ कि इस टाइम पे आप प्रोडक्टिविटी अपनी हल्की रख सकते हो अगर आपका एग्ज़ाम पास नहीं है तो। एग्ज़ाम पास आएगा ऑटोमेटिकली ये बफर जोन हट जाएंगे और दिमाग अपने आप हटा देगा, पहले हैबिट डालो चीज़ों की। फिर नेक्स्ट आप शाम के 4 बज गए, 4 बजे से फिर से मैंने 50 मिनट का स्लॉट लगाया, यहाँ पर फिर से मैंने 50 मिनट का स्लॉट लगाया, यहाँ पर फिर से मैंने 50 मिनट का स्लॉट लगाया, ब्रेक ले लो इसमें, इसमें ब्रेक लेना है तो, यहाँ पर फिर से 50 मिनट का स्लॉट लगाया, ये फिर ब्रेक आ गया, बफर जोन है ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसमें 50 मिनट का स्लॉट लगाया और ये अब बफर जोन है, ये आपने स्टडी के लिए नहीं रखा, ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। सपोज किसी दिन यहाँ पे पढ़ना चाह रहे थे, दोस्त आ गया, कुछ इमरजेंसी होगी, तब यहाँ पे वो काउंट करो। आपने इतने प्लान किए, इतने स्लॉट्स प्लान किए 50-50 मिनट्स के, हो सकता है उनमें से एक स्लॉट आप फुलफ़िल नहीं कर पाए हो या दो फुलफ़िल नहीं कर पाए हो, तो दोस्त रिग्रेट करने की जगह अपने आप को अप्रिशिएट करो, क्योंकि आप पहले इतना भी नहीं कर रहे थे, आज आपने इतना कर दिखाया और वो छोटी बात नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता उसको। बस इसमें चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि आपको एक कंसिस्टेंट मैनर में करना है। नेक्स्ट 12 बजे से ये स्लीपिंग टाइम है तो अपना स्लीपिंग टाइम लिखो, हाँ मैं इतने घंटे सोऊंगा। क्या ऑफिसर करने के लिए ऐसा, बहुत एक्सट्रीम वीडियोज आपने सुने होंगे, बहुत एक्सट्रीमिज्म आप अपना लेते हो, केवल 4 घंटे सोना है, 5 घंटे सोना है, 6 घंटे सोना है, अभी क्या ऑफिसर बनेंगे अगर 8-8 घंटे सोएंगे तो। दोस्त आप 6 घंटे सो रहे हो, 7 घंटे सो रहे हो, 8 घंटे सो रहे हो, डजंट मैटर, सबसे ज़्यादा मैटर ये करेगा आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, आप रिटेन हो रहा है जो पढ़ रहे हो या नहीं हो रहा है, बस 100 बात की एक बात यही है। दिस द डे प्लानर, अपने डे को ऐसे डिवाइड करना है। नेक्स्ट वीकली प्लानर होना चाहिए स्टडी के मामले में, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, देन आपको पता होना चाहिए मैं 3 दिन ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 3 दिन ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, या 7 दिन ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 6 दिन ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, संडे का भी स्पेशल डिस्कस करेंगे। अगर CAPF की बात करें तो यू हैव टू मैनेज paper 2, संडे को स्पेशली डेडिकेशन आप करो कि मुझे लिखना है। और इसमें भी अगर डे प्लानर में ये स्टडी आवर्स की बात करें तो हो सकता है यहाँ पे आपका माइंड थक गया हो इस स्टेज पे आके, तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दो ना यार, आपके पास जब लिखने का काम है, नोट्स बनाने का काम है, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, यहाँ पे दिमाग ज़्यादा नहीं चल रहा तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर प्रोडक्टिव आवर्स, जहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है उस टाइम पे आपको बुक्स रीडिंग करनी है, जहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी लो है वहाँ पे आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो या लिखना स्टार्ट कर दो, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आप जहाँ आपकी प्रोडक्टिविटी लो है वहाँ बुक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, ज़्यादा अंदर जाएगा नहीं, रिटेन ही नहीं होगा। कितने घंटे चेयर पे बैठ रहे हो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा ही है, एग्जाम में क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे वो इंपॉर्टेंट है, वो कैसे पता चलेगा, वो जब चीज़ें याद होंगी तब पता चलेगा। सेम संडे को थोड़ा ब्रेक दो अपने आप को, क्योंकि हम इतना एक मोनोटोनस हो जाती है चीज़ें, अगर हम ब्रेक नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। दोस्त आप फॉलो करके देख लेना, आप अपने आप को आधा दिन का ब्रेक नहीं दोगे, यहाँ पे कंप्लीट दिन का ब्रेक नहीं देना है, अगर कंप्लीट दिन का डे का ब्रेक दे दिया आपने, मंडे को प्रोडक्टिविटी देख लेना आपने, वो डाउन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। हाफ डे का होना चाहिए कि वो ब्रेक जैसा लगे आपको, ऐसा भी नहीं मस्त हो जाना है कि मुझे अब जीवन में कल कुछ करना ही नहीं है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बस सब कुछ जीवन में यही है और मेरा जीवन बचा ही नहीं है, आपकी बॉडी अपने आप ब्रेक डिमांड कर लेगी अगर आप ब्रेक नहीं दोगे तो, और वो ज़्यादा बुरा है क्योंकि वो रिग्रेट जैसा फील होगा। इन द एंड रिग्रेट नहीं आने देना है, सेटिस्फेक्शन आने देनी है। ये एग्ज़ाम की तैयारी भी आप इसीलिए कर रहे हो दोस्त, ताकि आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाई हो सको, अपने माता पिता को सेटिस्फाई कर सको। नेक्स्ट मंथ वाइज प्लानिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा दूर की नहीं सोचनी है, 1 मंथ का, 2 मंथ्स का, आपको सब्जेक्ट वाइज ये होना चाहिए, मैं ये सब्जेक्ट इस मंथ में कवर कर लूँगा, ये सब्जेक्ट इस मंथ में कवर कर लूँगा। 300 डेज़ के स्टडी प्लान प्रोवाइड करवा चुके हैं ऑलरेडी, अगर टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको डाउनलोड करना चाहो तो कर सको, ताकि आपको ये पता चल सके कि किस दिन आपको पढ़ना क्या है और किस टाइम पढ़ना है, वो टाइम टेबल है वो मैंने आपको बता दिया, वो आपको मैनेज करना है कि मुझे 50-50 मिनट के इतने स्लॉट लगाने हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हम लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।